आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मोबीक्विक का जिप बैलेंस को आप बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करोगे इंस्टेंट। और सबसे पहले बता दो, यहाँ पे एफ पे एप्लीकेशन हो गया, पेड की एप्लीकेशन और स्नैप पे एप्लीकेशन भी वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं आपको एक नया तरीका से यहाँ पे ट्रांसफ़र करके दिखाने वाला। सबसे पहले मोबीक्विक में मैं अपना जो यहाँ पे लिमिट आप लोग को दिखा देता हूँ, 101 रुपये मेरा अभी जो यहाँ पे जो लिमिट है, इसे मैं आपको बैंक में ट्रांसफ़र करके दिखाने वाला हूँ। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो ये जिप बैलेंस है 101 रुपया, ना कि यहाँ पे वॉलेट बैलेंस है। चलिए मैं यहाँ पे जो है होम पेज पे जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे होम पेज में आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे मोबीक्विक ब्लू अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड आपको शो हो जाता है। देखिए ये कार्ड आपको ओल्ड अकाउंट, आपका यहाँ पे मोबीक्विक का ओल्ड अकाउंट है तो आपको उसमें आप अगर एक्टिवेट किए होगे तो शो होगा, ठीक है। और न्यू अकाउंट में यहाँ पे ये शो नहीं होता है कार्ड। तो यहाँ पे चलिए इसका मैं डिटेल्स आपको कार्ड का दिखा देता हूँ, व्यू कार्ड डिटेल्स पे यहाँ पे क्लिक करके। उसके बाद चलिए यहाँ पे जो है सिक्योरिटी पिन डाल देता हूँ। डालने के बाद यहाँ पे जो मेरा कार्ड यहाँ पे ओपन हो गया है, होने के बाद यहाँ पे जो है टैप करूँगा कार्ड पे तो मेरा कार्ड का नंबर आ जाएगा, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर और यहाँ पे ओटीपी भी आपको यहाँ पे शो हो जाता है। कार्ड के नीचे ही आपको ओटीपी भी आपको मिल जाता है, जिसको आपको एक कॉपी में या कहीं पे नोट कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ पे बता दो, स्नैप पे में आपको यहाँ पे जो है स्नैप पे के माध्यम से ट्रांसफ़र करके दिखाने वाला हूँ। तो स्नैप पे में आपको यहाँ पे जो है अकाउंट बनाना है, उसके बाद पहले जो है आपको KYC करना है, उसके बाद विड्रॉल लगाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे यूटिलिटी पेमेंट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी आपको ऐड करना पड़ेगा, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा बेनिफिशियरी जो अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना है सब डाल के यहाँ पे सेव करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, उसको सिलेक्ट करना है अकाउंट को। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो है यहाँ पे जितना अमाउंट डालना है वो यहाँ पे एंटर करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे 100 रुपये एंटर कर देता हूँ। करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन प्रायोरिटी में आप यहां पे सेम डे कर सकते हो सिलेक्ट, इंस्टेंट भी आप यहां पे बैंक में ले सकते हो, T+1, T+2, T+3 और लो में भी आप यहां पे बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे मैं इंस्टेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन में यहाँ पे जो है अमेरिकन एक्सप्रेस का आपको यहाँ पे शो हो जाता है, इसको आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे जो आपको 1% का चार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है पे नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको पेमेंट ऑप्शन में यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को कार्ड्स को सिलेक्ट करना है। करने के बाद आप जो मोबीक्विक में कार्ड का डिटेल्स यहाँ पे कॉपी किए थे वो यहाँ पे पूरा एंटर कर देना है। करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है अभी जो पेमेंट जो प्रोसेसिंग में है, यहाँ पे अब मुझे जो यहाँ पे जो मैं कार्ड का डिटेल्स डाला था, यहाँ पे आपको एक कार्ड्स के नीचे एक OTP भी आपको वहाँ पे शो हो रहा होगा मोबीक्विक में, वो यहाँ पे आपको 4 डिजिट का एंटर करना है। करने का सबमिट OTP पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे पेमेंट अभी प्रोसेसिंग में है और यहाँ पे देख सकते हो मेरा मैसेज भी आ चुका है मोबीक्विक में, पेमेंट जो यहाँ पे डिटेक्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको पूरा पेमेंट हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्नैप पे को यहाँ पे जो है पेमेंट 100 रुपये रिसीव हो चुका है और यहाँ पे पेड अमाउंट जो है यहाँ पे 101 था और यहाँ पे इंस्टेंट पेमेंट ट्रांसफ़र किया था तो मेरा यहाँ पे जो है पेटीएम पेमेंट बैंक में भी यहाँ पे जो है रिसीव हो चुका है। तो चलिए मैं आपको जो है पेटीएम अपना जो ओपन करके यहाँ पे दिखा, 96 रुपया 50 पैसे यहाँ पे मेरे पेटीएम बैंक अकाउंट में भी रिसीव हो गया है। तो इस तरह से करके आप मोबीक्विक जिप बैलेंस को बैंक में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हो। बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही।